Hello friends, welcome to Educational Hikes. Today we are going to start chapter 15, Light of class 7 का ये second part है guys. अगर आप लोगों ने first part नहीं देखा है तो वो आप जा कर के तुरंत देखिए और description box में आपको मिल जाएगा. So guys, start करने से पहले बताएंगे कि हम लोगों ने पहले जो पहला part इसका देखा है, हम लोगों ने उसमें देखा है introduction of light, light कैसे straight line में travel करती है, reflection of light, और हमने बहुत सारी activities भी देखी हैं. और उसके आगे हम आज part second में start करने जा रहे हैं. उससे पहले guys, हम एक important बात बता दें आप लोगों को. ये जो class 7th का ये जो series चल रहा है, साइंस का ये सीरीज़ पूरा मैं भार्गवी मैं ही कंटिन्यू करूँगी. अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट मुझे इस पूरे सीरीज़ के ड्यूरिंग द ऑल सीरीज़ ये सेवन्थ क्लास के सारे सीरीज़ के दौरान जो स्टूडेंट मुझे कंटिन्यू दिखेगा, सबसे एक्टिव दिखेगा, और जिसके कमेंट्स में मतलब जो भी क्वेश्चन करूँगी उसके आंसर्स अगर मुझे अच्छे से दिखेंगे, और जो प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करेगा, और साथ ही साथ आप लोगों के स्कूल में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हों, फाइनल्स भी आ रहे हैं आपके, और जो है PT4 या फिर जो भी एग्ज़ाम है, आप लोग अपने मार्क्स भी हमें बताइएगा साइंस में कमेंट के थ्रू, ठीक है. और जो स्टूडेंट हमें रेगुलर दिखेगा और सबसे अच्छा बच्चा दिखेगा पढ़ाई में, उसके लिए लास्ट जो भी जो ये साइंस का जो सीरीज़ चलेगा, जो लास्ट वीडियो होगा, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा सा सरप्राइज देंगे रखेंगे हम. ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट आवर PDF. तो आप लोग रेगुलर रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, और देखते हैं वो सरप्राइज़ कौन पाता है और किसके लिए वो सरप्राइज़ लिया जाता है. और गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है, नहीं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. सो प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो. अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं PDF. सो फ्रेंड्स, हम जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, आज हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं. अब हम ये थोड़ा सा एक्टिविटी एक छोटा सा देखते हैं. व्हाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये स्फेरिकल क्यों होते हैं? अब आपको एक काम करना है. अब आप लोग क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, क्रिकेट खेलते हैं आप, तो आप एक रबर का बॉल लें और उसको क्या करें, अब आप एक पोर्शन को उसको कट कर दें. और लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये केयरफुल होकर आपको करना है, या फिर आप किसी अपने बड़े भाई या सिस्टर किसी से भी आप बोल सकते हैं इसको काटने के लिए. अब जो आप इनर पार्ट देखेंगे इसका, जो ये बॉल आप कट करेंगे, इसका जो आप इनर पार्ट देखेंगे वो हमारा क्या होगा, और जो आउटर पार्ट देखेंगे वो हमारा क्या होगा? जो हमारा इनर पार्ट होगा वो हमारा होगा कॉनकेव सरफेस, और जो हमारा निकला हुआ होगा उभरा पार्ट होगा वो हमारा होगा कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है. अस्फेरिकल मिरर जो होता है ऑफ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, अस्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर. अभी जैसे बॉल देखो, ये स्फेयर के जैसे ही है ना, वो जो है ये जो हमारा उभरा हुआ पार्ट है ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, और जो ये हमारा मतलब घुसा हुआ पार्ट है ये अंदर की तरफ जो है, जो जिसको हम कह सकते हैं घुसा हुआ है, उसको वो क्या है, कॉन्केव सरफेस है हमारा. अब हम देखो आगे देखते हैं इसके आगे. द इनर सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉन्केव मिरर. जो हमारा जिस तरफ से हम खाना खाते हैं स्पून से, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है कॉन्केव मिरर. और जो हमारा आउटर सर्फेस होता है वो कैसे एक्ट करता है, एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है. वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. हम ये जानते हैं कि जो हम प्लेन मिरर के बारे में अभी हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं, वो जो होते हैं वो हमारे स्क्रीन पे नहीं पाए जा सकते, वो स्क्रीन पर नहीं पाए जाते हैं. अब हमारे जो हैं, लेट अस इन्वेस्टिगेट, इसको चलो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं. इफ़ इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव मिरर. हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं. आपको क्या करना है, टेक अ कॉन्केव मिरर, आपको कॉन्केव मिरर लेना है, और होल्ड इट फेसिंग द सन, और इसको सन की तरफ इसका फेस कर देना है. ट्राई टू गेट, अब देखो अगर आप कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो देखो कॉन्केव जो होता है वो केव की तरह घुसा हुआ होता है, गुफा की तरह होता है, तो वो कॉन्केव होता है, और बचा पोर्शन हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, यानी कि उभरा हुआ पार्ट. अब आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में आपको कॉन्केव मिरर लेना है और उसको सन की तरफ फेस करके उसका रखना है. ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड
बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ अ पेपर, और आपको लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है, रिफ्लेक्ट करवाना है लाइट को. और लाइट जो है वो सन का जो मिरर है, मतलब सन की जो इमेज है, वो एक आपकी आपको शीट ऑफ पेपर लेना है जिसपे वो बने, और आपको डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेना है. इस हिसाब से एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट. उस पेपर के शीट पे आपको जब तक एक ब्राइट आपको स्पॉट ना दिखने लगे, यानी कि वो सर्कल सर्कल वहाँ पे दिखने लगेगा, तब तक आपके उसको डिस्टेंस को एडजस्ट करना है. आपको जब जो कॉनकेव मिरर आप लोगे और सन से जो आएगा लाइट वो रिफ्लेक्ट करवाना है उस शीट ऑफ पेपर पे. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ देर तक होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट. आपको कुछ देर वैसे ही, यानी कि बिना हिले, उस चीज़ को हिलाना नहीं है बार बार, नहीं तो हमारा फोकस पॉइंट जो है वो चेंज होता रहेगा. उसके बाद आपको थोड़ी देर तक वहाँ पे आपको रखना है, फोकस को बनाए रखना है. जहाँ पे वो स्पॉट बन रहा है वहाँ पे आपको फोकस बनाए रखना है. अब उसके बाद आप क्या देखोगे, डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या वो पेपर जो है वो जलना स्टार्ट हुआ कि नहीं. अब जो है आप देखोगे, दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन. नोटिस दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन. हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये कॉनकेव मिरर से हमारा बन रहा है, ये भी हम नोटिस कर रहे हैं कि वो जो इमेज है वो स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है. तो अब ये क्या है, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. इसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं. जो इमेज हमारी स्क्रीन पर फॉर्म हो जाए वो रियल इमेज होती है, और जो नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑप्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. जो ऑप्टेन नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, सच एज इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. जो स्क्रीन पर ऑप्टेन्ड हो उसे रियल इमेज कहते हैं, और जो ना ऑप्टेन्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं. नाउ लेट अस ट्राई टू ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज. हम पहले देखो, जब आप ये एक्टिविटी आप कर रहे होगे तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देना है. यू विल कंडक्ट एक्टिविटी, जब भी आप करोगे ये 15.6, वैसे तो आपको किसी बड़ों के साथ में करना है आपकी अपनी ये एक्टिविटी. बी केयरफुल, नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन इट्स इमेज. ना तो आपको सन को डायरेक्टली देखना है, ना तो इसकी इमेज को. ये इट मे डैमेज योर आइज, ये आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है. ये चीज़ आप खुद भी जानो, और आपके घर में अगर कोई है जिसको नहीं पता है उसको भी बताइए. यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम एक्टिविटी देख लिए हैं, अब हम देखते हैं कि नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर. अब हम कॉनकेव मिरर के थ्रू जो हम कैंडल को जला करके एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं. आपको क्या करना है, फिक्स इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में आपके बहुत सारी एक्टिविटी हैं. ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड. और क्या करना है आपको, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी. ठीक है, आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो वो मिरर लोगे आप, और उसको क्या करना है, इट ऑन अ टेबल, आपको एक टेबल पे लगाना है. पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द कार्डबोर्ड शीट. आपको कार्डबोर्ड शीट जो है लगाना है आगे, अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है, आपको एक टेबल पे पहले तो कॉनकेव मिरर लगाना है, उसके बाद आपको जलती हुई लाइटेड कैंडल रखनी है, और उधर साइड में आपको उसके सामने एक कार्डबोर्ड वाइट रखना है. आपका कुछ भी हो, 15x10 हो, 10x15, 15x15, कोई सा भी आपको कार्डबोर्ड रख लेना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन. ये आपको एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, अब इसमें इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म भी कर सकते हैं, वैसे तो ईजी है, हालांकि अभी इसके लिए हम छोटा सा एक और अनाउंसमेंट करेंगे. आपको क्या करना है, कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल. आपको टेबल पे लाइटर जला करके कैंडल रखना है. एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर पे आपको रख देना है फ्रॉम द मिरर. मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखो. अब क्या करोगे आप, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. आप स्क्रीन पर इमेज को देखने की कोशिश करोगे. उसके बाद क्या होगा, फॉर द मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ अ फ्लेम इज ऑब्टेन्ड, मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट, क्या है आप आगे देखोगे, डज नॉट, यहाँ पे है, आगे हम देखते हैं, डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन इट.
इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल। अब आपको इसका मेन यही समझना है आपको कि क्या ये इमेज रियल बना या वर्चुअल बना। आप देख करके बताओ क्या ये इमेज आपका रियल बना या वर्चुअल बना। इज इट द सेम साइज एज द फ्लेम? ये क्या सेम साइज का था जो ये फ्लेम था? हमने इरेक्ट वाला देखा था टॉपिक फर्स्ट पार्ट में। आप पहले फर्स्ट पार्ट को क्लियर करने के बाद ही सेकेंड पार्ट देखिए। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब आपको क्या करना है, कभी मिरर के पास ला के रखना है, कभी आपको दूर ले जा के रखना है, थोड़ा थोड़ा सा आपको डिफरेंट डिस्टेंस पे करके आपको देखना है। इन ईच केस आप क्या देखोगे, अभी हम बता दे रहे हैं आप क्या देखोगे। इन ईच केस ट्राई टू ऑप्टेन द इमेज, ट्राई टू ऑप्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। आप क्या करोगे, हर केस में आपको वो इमेज स्क्रीन पे दिखना चाहिए। अब आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। इज़ इट पॉसिबल टू ऑप्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर? तो हमने क्या देखा, वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। साइज में क्या होगा, वो बड़ा और छोटा बन सकेगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। ये हमने देखा इस एक्टिविटी से। द इमेज मे बी ऑल्सो रियल और वर्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान से देखना है। इमेज जो है वो रियल और वर्चुअल दोनों बन सकती है। ये वर्चुअल अभी हमने बताया कि जो कि स्क्रीन पे ऑप्टेन ना हो, रियल क्या जो स्क्रीन पे ऑप्टेन हो। अब कॉन्केव मिरर आर यूज फॉर मेनी पर्पजेस। जो कॉन्केव मिरर होता है हमारा, वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यू में माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर्स। मैंने बताया था कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको चीज़ों को बड़ा करके देखना होता है। लाइक देखो, फॉर एग्जाम आपको एग्जामिनिंग करने के लिए कि आपकी आईज़, ईयर्स, नोज़, थ्रॉट, इन सारी चीज़ों को वो बड़ा करके देखेंगे ना। मैंने बताया था कॉन्वेक्स और कॉन्केव के यूजेस में, फर्स्ट वीडियो में ही थोड़ा सा हमने बता दिया था। जो डॉक्टर्स होते हैं वो आईज़ को देखते हैं, हमारे देखो दांत को बड़ा करके देखते हैं ताकि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब छोटा छोटा दिखेगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा ना, इस वजह से हम देखो अभी आगे देखेंगे कैसे उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे उसको। सो डेंटिस्ट भी हमारे यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने बताया अभी, कॉन्केव मिरर ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ, टीथ को बड़ा देखने के लिए, ईयर को बड़ा देखने के लिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं हमारे डॉक्टर्स इसको, ठीक है। अब द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द टॉर्चेस हेडलाइट्स ऑफ कार्स ऑफ स्कूटर्स आर ऑल्सो कॉन्केव होते हैं हमारे, इन शेप शेप में हमारे कॉन्केव होते हैं, यानी टॉर्च का जो वो ऊपर का लाइट होता है वो कॉन्केव होता है। हेडलाइट होते हैं कार के, वो जो हमारे होते हैं क्या कॉन्केव, वहाँ पे मिरर यूज़ होता है। और भी कई सारी जगह हमारे जो इन सोलर कुकर में यूज़ होता है, और इन कॉन्सेंट्रिंग लाइट एट अ गिवन स्पॉट पे यूज़ होता है। और हमारी हाँ एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बताना आप सबको था कि जो हमारे कॉन्केव मिरर होता है हमारा, वो हम यूज़ करते हैं, देखो हम अपने घर में शेविंग ग्लास के लिए भी हम यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये देखो डॉक्टर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। बूझो क्या ऑब्जर्व करती है कि करता है बूझो ऑब्जर्व करता है कि हिज इमेज इन साइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। वो क्या होता है, ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। वो देखता है कि वो जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट यानी सीधा और छोटा बन रहा है। ही वंडर्ड, वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है कि इफ बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर कैन यू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ द मिरर। आप क्या रिकोगनाइज कर रहे हो? अब देखो हम 15.8 एक्सरसाइज को देखते हैं। रिपीट एक्टिविटी 15.7। नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर, आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ इसको करना है इन प्लेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अभी हमने देखो देखा है कि कॉन्केव मिरर के साथ करके देखा है। अब आपको क्या करना है, आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड फिर से करना है। कुड यू गेट द रियल इमेज, आपने रियल इमेज को पाया कि नहीं एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये देखो टॉर्च का हमने कहा था ना कि ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर होता है, ये हमारा क्या होता है कॉन्केव यूज होता है। और यहाँ पे सेम एक्सरसाइज जैसे आपने कॉन्केव के साथ किया था वैसे आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ करना है, और डिस्टेंस को चेंज कर करके अपने ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है। ये एक्टिविटी हमारा है 15.1। इसको आप खुद करने की कोशिश करना, अगर आपसे खुद से नहीं होता है तो अगर आप लोग डिमांड ज़्यादा करोगे तो हम जो ये सारा ये सीरीज चल रहा है हमारा क्लास 7th का, इसको तो पहले आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरा कि अगर आप लोग चाहोगे तो जितनी भी एक्टिविटी हैं सारे चैप्टर के
आपके क्लास सेवन्थ में जितने साइंस के चैप्टर हैं, जितना अगर प्रैक्टिकली हो सकेगा हम सारे एक्टिविटी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करोगे और डिमांड करोगे तब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। तब आपको खुद घर पर करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर एज साइड व्यू मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम एज साइड व्यू मिरर में यूज़ करते हैं, और हमारा जो कॉन्केव होता है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे हमारे डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं, ये तो हमने देख ही लिया। हमारे माइक्रोस्कोप में कैसे यूज़ होता है ये हम देखेंगे, और कैसे इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं, इतने सारे व्हीकल हमारे ये एक मिरर में दिख जा रहे हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कैसे ये वर्क करता है आगे हम देखते हैं। डिड यू गेट द इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। आपने क्या कभी देखा है कि जो इमेज है वो बड़ा बनता हो ऑब्जेक्ट से? बिल्कुल देखा है। अभी मैग्नीफाइंग ग्लास हमने देखा है, यहाँ पे क्या है, कॉन्केव है। और अब ऐसे ही आपने छोटा भी देखा होगा, जो अभी देखो कार इतनी बड़ी सी थी पीछे सड़क पे, लेकिन वो छोटी छोटी दिख रही है रियर व्यू मिरर में हमारे। ऐसा क्यों हो रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स? हाँ बिल्कुल, हमें याद है आपने एक्टिविटी किया था पीछे। दीज आर कॉन्वेक्स मिरर्स। ये क्या होते हैं? हमारे कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। वो बहुत सारे एरिया को कवर करता है। पीछे देखो सड़क पे जो गाड़ियाँ चल रही होती है वो दिखती है हमें, सड़क दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं छोटे छोटे। तो ये हमारे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो ये ड्राइवर्स को हेल्प करता है जो उनके पीछे ट्रैफिक है उसको देखने में। अब इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब हम लेंसेज के बारे में देखेंगे, हमने मिरर्स देख लिया बहुत, ठीक है। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट्स। ये छोटे छोटे जो पेपर होते हैं देखो वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। हमने मिरर्स देख लिया, अब हम लेंसेज देखेंगे। यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। ये छोटे छोटे देखो न्यूज़पेपर जब हम रीड करते हैं, देखो अभी हम मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, वही सेम चीज़ अभी हमारे चश्मे में यूज़ हो जाएगा। तो हमारे दादाजी, हम लोग, जो भी हमारी आई में डिफिशेंसी होता है उसको मैनेज करने के लिए जो हम चश्मा यूज़ करते हैं उसमें में भी हमारा यूज़ होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक है। मे बी वो नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप देखो। तो देखते हैं, यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच और एन अर्थवर्म। अभी आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आपको फिजिक्स लैब, बायो लैब में ये सारे मिल जाएंगे मैग्नीफाइंग ग्लासेस। द मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। ये क्या होता है? एक ही लेंस का टाइप होता है। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स। अभी मैंने बताया कि स्पेक्टिकल्स में यूज़ होते हैं ये हमारे लेंसेज, और ये हमारे टेलीस्कोप में, यानी कि दूर की चीज़ों को देखने में, हम चाँद देखते हैं ये वो देखते हैं ना, चाँद तारे सारे प्लैनेट्स देखते हैं, वो टेलीस्कोप होता है। और हम इसको माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं अपने लेंसेज को। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। अभी देखा हमने ना, बताया ना कि लैब में आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके हम देखते हैं। ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेज ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। आप भी लिस्ट बनाओ जो जो आप जानते हो, और उसमें ऐड करो कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये लेंसेज। गेट सम लेंसेज और उसको क्या करो, आप टच करो और फील करो देम, टच एंड फील देम। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाई टचिंग। आप जब टच करोगे तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा आपको। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन मिडल, जो आपको बीच में मोटा दिखे, थिकर दिखे, वो क्या होता है हमारा, और किनारे किनारे पे पतला दिखे वो क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंसेज होता है। और जो लेंस, इसी का अपोजिट कर दो, जो लेंस हमारा विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एज पे क्या दिखेंगे, पतले दिखेंगे। जो हमारे बीच में क्या दिखेंगे, थिनर दिखेंगे, पतले दिखेंगे, वो हमारे क्या होंगे, और एज पे हमारे क्या दिखेंगे आप बताओ, विच फील थिनर इन द मिडल देन द एज, जो कि आपको बीच में पतला दिखे वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। जो बीच में हमारा मोटा दिखे वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, जो बीच में हमारा पतला दिखे वो क्या होगा हमारा, कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है। विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एज आर कॉन्केव लेंस, और जो हमारा बीच में मोटा दिखे, साइड साइड में पतला दिखे, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। लेंसेज हमने बस टच करके इतने सारे मतलब चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन।
आपको कभी भी सन को या फिर ब्राइट लाइट को बहुत ज़्यादा, जो लाइट बहुत तेज़ होती है उसको हमें लेंस के थ्रू नहीं देखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपको सनलाइट पे फोकस नहीं करना है कॉन्वेक्स लेंस के साथ, और किसी भी पार्ट पे अपनी बॉडी पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी आईज़ के लिए, आईज़ से हम देखेंगे तो आईज़ के लिए भी। अब आपको 15.9 एक्टिविटी करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है मैग्नीफाइंग ग्लास का, उसके बाद पुट इट टू, आपको क्या करना है, इसको जो सन रेज है उसके रास्ते में रखना है, उसके पैथ पे रखना है, आपको रास्ते में रखना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर, आपको शीट ऑफ पेपर रखना है साइड में, मतलब जिससे जिसके थ्रू बीच में वो मैग्नीफाइंग ग्लास में रखना है कॉन्वेक्स लेंस का, और आपको एक साइड में पेपर रखना है जिसके थ्रू होकर के मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू होकर के उस पेपर शीट तक आपको एक पॉइंट बनाना है। ये एक्टिविटी हमने पहले भी कर रखा है लेकिन वो कॉन्केव पे था शायद। और आपको क्या करना है, होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजिशन ऑफ अ फ्यू मिनट। आपको फिर इस पर एक पॉइंट पे फोकस करवाना है। डज द पेपर बिगन टू बर्न, जैसे आपने कॉन्केव में बर्न करवाया था आपको इसमें भी फोकस बनाना है जब तक कि वो पेपर जो है बर्न करने लगे। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद द कॉन्केव लेंस। अब आपको कॉन्केव लेंस के थ्रू मतलब रिप्लेस कर देना है। अब डू यू सी अ ब्राइट, नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद द कॉन्केव लेंस। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट, जब आप ब्राइट स्पॉट देखो ऑन द पेपर दिस टाइम टू, मतलब आपको कॉन्वेक्स लेंस पे भी करना है यही एक्टिविटी सेम, और आपको कॉन्केव लेंस पे भी करना है। अब आप देखोगे व्हाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट लाइट स्पॉट दिस टाइम। अब आप जब कॉन्केव पे देखोगे तो आप क्यों ब्राइट लाइट नहीं पा रहे हो, पहले तो आप क्या देखे कि पहले आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया। देखो मैं अगेन रिपीट कर दे रही हूँ, आई रिपीट, आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया मैग्नीफाइंग ग्लास का, उसके बाद उसको उससे पास होकर के आपने सनरेज को पास करवाया, और आपने एक शीट ऑफ पेपर लिया सामने रखा। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर, आपने डिस्टेंस को एडजस्ट किया, उसके आपने तब तक उस डिस्टेंस को एडजस्ट किया जब तक एक ब्राइट स्पॉट नहीं बनने लगा उस पेपर पे। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट, और आपने कुछ देरी तक रखा, कुछ मिनट तक रखा, जब तक कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है लेकिन अभी आपको आगे बता दिया जाएगा कैसे हुआ। डज द पेपर ब्राइट टू बर्न, अब क्या वो जो पेपर था बिगन टू बर्न, वो जलना स्टार्ट किया कि नहीं। अब आपको रिप्लेस कर देना है कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस से। उसके बाद क्या, डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर ऑन दिस टाइम टू, अभी आप फिर देख रहे हो वो ब्राइट स्पॉट की नहीं। वाई आर यू नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, आप क्यों नहीं पा रहे हो इस टाइम पे। वी हैव सीन इन केस ऑफ द मिरर दैट फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज चेंज, इज इट ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो, क्या लेंस, और अभी आपने पीछे मिरर पढ़ाया, अभी लेंस पढ़ रहे हो ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, इस वजह से ये एक्टिविटी आपको करके देखना है। अब देखो एक छोटा सा चीज़ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखो आपको कन्वर्जन डाइवर्जन तो पता ही होगा, अ कॉन्वेक्स लेंस वो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है लाइट को, कन्वर्ज कर देता है जनरली फॉलिंग ऑन इट। अब आप देखोगे ये एक ए में देखोगे, ए भी दो बनाया ना, ए में जो आप देख रहे हो वो जो है कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट को, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी कि कन्वर्ज कर दे रहा है एक जगह पे। और जो हमारा अदर हैंड पे जो हमारा बी है वो क्या कर दे रहा है, वो डाइवर्ज कर दे रहा है लाइट को, डाइवर्ज कर दे रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अब डाइवर्ज और कन्वर्जन लेंस में, डाइवर्जन लेंस में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप जान लो, इंडिया में देखो इतने सारे रिलीजन हैं और कल्चर और रिलीजियस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी है, तो डाइवर्जन यानी स्कैटर कर देना, लाइट को फैला देना, तो बी है जो वो लाइट को स्कैटर कर दे रहा है, डाइवर्स कर दे रहा है, और जो हमारा ए है वो कॉन्वेक्स है, वो लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, कि इसी वजह से इट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। अब हम आगे देखेंगे ऑन द कैंडल, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे 15.10 में। क्या करना है हमें, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना है, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड, अब इसे हमें एक स्टैंड फिक्स कर देना है एज यू डिड विद द कॉन्केव मिरर, जैसे आपने कॉन्केव मिरर के साथ किया है। और आपको एक टेबल लेना है और उस पर एक आपको लाइटर जलती हुई कैंडल रख देना है, और लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देना है आपको लेंस से।
ट्राई टू ऑप्टेन द इमेज। अब आपको इमेज इमेज आपको देखना है कहाँ पे बन रहा है, ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड, जो आपने दूसरी साइड पेपर लगाया है वो देखना है वहाँ पे कहाँ पे आपका बन रहा है वो कैंडल की लाइट, ठीक है, वो फ्लेम आपको, वो इमेज कहाँ पे आपको बन रहा है। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट इट शार्प, और आपको इमेज ऑफ द फ्लेम। वॉट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, इज़ इट रियल और वर्चुअल। अब ये एक्टिविटी जो आप करोगे इससे आपको रियल इमेज मिल रहा है कि वर्चुअल मिल रहा है, आपको ये बताना है। उसके बाद नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ठीक है, ट्राई टू ऑप्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। आपको क्या करना है, इसमें भी अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके लिखना है आपको, और कैंडल को आपको पास दूर करके देखना है कि आपको क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है या फिर वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब क्या समझ में आया इससे कि इट मीन्स दैट वी कैन सी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस फ्रॉम अ साइड अपोजिट, दैट इज़ क्या होता है, दैट इज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे इस एक्टिविटी को करके दिखाया गया है, आप लोग इस एक्टिविटी को ठीक से देख लो। इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम इट। यहाँ पे दूर करके देखो, फ्लेम से दूर करके रखा गया है तो इमेज कैसे बन रहा है, यहाँ पे फ्लेम से पास करके रखा गया है तो इमेज कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस पे रख के कॉन्वेक्स लेंस का हमारा इमेज बनवाया गया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये हमारा वर्चुअल इमेज होता है फॉर्म्ड बाई अ कॉन्वेक्स लेंस, अब क्या आपने देखा, डिड यू गेट इट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। आपने क्या ये देखा कि कोई सभी इमेज जो यहाँ पे बना इरेक्ट और मैग्नीफाइड है। कुड दिस इमेज बी ऑप्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या ये स्क्रीन पे पाई गई कि नहीं, ऑप्टेन हुआ कि नहीं। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, ये क्या रियल था या वर्चुअल था। दिस इज़ हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कैसे है, कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे यूज़ होता है। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव लेंस, यू विल फाइंड दैट द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज क्या होते हैं, सीधा होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट वर्चुअल यानी नकली इमेज और इरेक्ट यानी सीधा और छोटा। ये तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से सनलाइट देख लेते हैं, वाइट और कलर्ड। अब आपने देखा होगा कि हैव यू एवर सीन अ रेनबो, जरूर आपने देखा होगा रेनबो। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन, आपने जरूर देखा होगा कि जब अक्सर बारिश हो जाती है उसके बाद हमें रेनबो देखने को मिलता है। When the sun is low in the sky, जब सन बहुत हल्के हल्के लो होते हैं, मतलब हल्का हल्का दिख रहे होते हैं, तो हमें रेनबो क्यों दिखता है, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। ये रेनबो आपको प्यारा से दिख रहा है और ये सीडी में क्या प्लेस किया गया, ये भी रेनबो की तरह तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो अभी हम आगे देखेंगे। सीन एज अ लार्ज, आपको लार्ज वैक दिखेगा इन द स्काई विद मेनी कलर, इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं होते हैं, लेकिन अभी आप देखोगे कितने कलर होते हैं जो ये स्काई में हमें दिखते हैं रेनबो। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो, सबको पता है 7 होते हैं, सीधी सी बात है। वाई ऑब्जर्व, मतलब इसको जब आप व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली, जब इसको आप देखोगे, देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, 7 कलर होते हैं अभी मैंने बताया। थ्रू इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश, इसमें से हम पता जल्दी नहीं लगा पाते कि ये कौन कौन से होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट होते हैं ना। अब इसको देखो, शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो विबग्यो, यानी कि पीछे से आप जाओगे ऐसे, विब से, डब्ल्यू से, मतलब वी से आपको क्या बनेगा, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, फिर वाई से येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्यो, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने याद किया था, वैसे आप भी कर सकते हो। अब आप देखोगे कि यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो अ शॉप ब्लबर, मतलब जब आप बबल बनाते हो, सॉरी, जब आप बबल बनाते हो तो भी आप देखोगे कि वो ऐसे चमकता हुआ, मेनी कलर्स उसमें भी, मतलब ये रेनबो वाले कलर्स आपको दिख जाएंगे। दे अपीयर कलरफुल सिमिलरली, ठीक है, वो भी, और सिमिलरली आपको एक चीज़ और दिखेगा, जो ये सीडी होते हैं, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं हमारे घर में, When light reflect from the surface of compact disc,
यू सी मैनी कलर्स, आप तब भी देखते हो, अभी ये जो सीढ़ी होती है वैसे तो जनरली हमें वाइट दिखेगी अंदर, अभी आप धूप में ले जा करके रख दोगे तो कैसे दिखेगी, जैसे यहाँ पे रेनबो की तरह दिख रही है, ठीक है। और हम बबल बनाते हैं जो बच्चे खेलने के लिए, तो बबल्स में भी ऐसे ही दिखते हैं, वो वाइट होता है लेकिन अभी हम उसको धूप में करें तो वो भी इसमें भी शाइन करके 7 कलर्स आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कुड वी से दैट द सन लाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। हम देख सकते हैं वैसे तो वाइट होता है, जस्ट अ वाइट लाइट सनलाइट हमारा होता है, लेकिन वो उसमें कंटेन होते हैं, मिक्सचर होते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, अभी हमने देखा विबग्योर, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, अब यहाँ पे इसको क्या समझ में आया, पहली बुजू जो भी हैं पहली को, कि डज दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है 7 कलर को। हाँ ये बात ट्रू है, अभी हम एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं 15.11 का। अब आपने प्रिज्म सुना ही होगा, टेक अ ग्लास प्रिज्म, अगर आपके घर में प्रिज्म नहीं है, आपके घर में बड़े भाई या सिस्टर हो तो प्रिज्म को ज़रूर रखे होंगे, नहीं तो आपको फिजिक्स लैब या फिर आपके स्कूल के लैब में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको टेक अ ग्लास प्रिज्म लेना है और आपको अपनी खिड़की से सन की लाइट को आने देना है, जिससे वो प्रिज्म से होकर के पास हो, ठीक है, थ्रू अ प्रिज्म। और आपको लेकिन वो जो लाइट है वो खिड़की से थोड़ा ही है, नैरो बीम ऑफ सनलाइट है, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल होल, आपको थोड़े से ही होल के सहारे उसको लाना है बीम ऑफ लाइट को, और उसको उस प्रिज्म से पास करा देना है। उसके बाद आपको एक डार्क रूम में पास कराना है, उसके बाद आप क्या देखोगे, लेटस का जो लाइट आ रही है वो प्रिज्म से पास होकर जब आ रही है वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी डाउन की तरफ, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि 7 कलर में वो स्कैटर हो जाएंगे, वही विबग्योर मतलब रेनबो वाले, ठीक है। तो हमें पता चलेगा आ तो रहा था सन की लाइट, वाइट आ रही थी, और वो कैसे जब प्रिज्म से पास हुआ, प्रिज्म के थ्रू इधर होकर के आया, तो वो कैसे थोड़ा सा बेंड होके और स्कैटर हो गया 7 कलर में, ठीक है, वो विबग्योर वाले यानी कि रेनबो वाले। पहली wants to tell you that you can see a rainbow only when you क्या देखोगे आप, तभी देखोगे रेनबो को when your back is towards the sun, जब आपका बैक जो है वो सन की साइड होगा तभी आप देखोगे। अब आप यहाँ पे भी देख लो, जिस तरफ से ये सनलाइट आ रही है प्रिज्म पे, उस साइड आप अपना बैक ऐसे उल्टा होकर खड़े हो, और जिस तरफ ये स्कैटर हो रही है लाइट उस तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, तो यही पहली बताना चाह रही है। अब प्रिज्म स्प्लिट क्या कर देती है, प्रिज्म स्प्लिट कर देती है बीम ऑफ सनलाइट को इंटू 7 कलर्स, अब प्रिज्म स्प्लिट्स द बीम ऑफ सनलाइट इंटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में तोड़ देती है। अब आप क्या कर सकते हो, अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल, ये भी अभी आप कैसे ऑब्जर्व करोगे कि एक वाइट पेपर होगा, उसको हम देखो अभी एक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है। डू यू सी द कलर सिमिलर टू दीज इन द रेनबो, ठीक है, इन सारी एक्टिविटी जो आप प्रिज्म से करवाए या फिर जो आप वो सीडी में देखे या फिर वो आप बबल्स में देखे, इन सब में भी आपने 7 कलर्स ही देखा, ठीक है, वो रेनबो वाले ही कलर्स आपने इन सब में देखा। तो दिस शोज दैट द सन लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये बताता है कि सनलाइट 7 कलर्स को कंसिस्ट करते हैं। द सन लाइट इज सेट टू बी वाइट लाइट, सनलाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं, दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, वाइट लाइट 7 कलर्स को कंसिस्ट करती है, ये बात तो मैंने बता ही दिया आपको। अब आपको क्या करना है, ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स, जो ये कलर्स हैं सारे, एंड राइट देयर नेम इन योर नोटबुक, ये तो बहुत ईजी, हमने विक्योर बता ही दिया आपको। 15.2 एक्सरसाइज करते हैं हम, आपको क्या करना है, आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड डिस्क लेना है, अबाउट 10 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर हो, आपका होगा डायमीटर क्या होता है, तो अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो आपको पता है डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है यानी कि वो सर्कल, सर्कल के जो बीचों बीच पास होते हैं, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है एक सर्कल का, यानी कि 2 रेडियस को मिला देंगे तो हमारा डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर आ गया। अगर आपको इसका पैरीमीटर निकालने को कहें तो, हालांकि हम साइंस पढ़ा रहे हैं लेकिन आप पैरीमीटर भी बगल में निकाल के जल्दी से बता दो, ठीक है, 2πr, अगर हम के एरिया निकाल के बता दो तो πr2, तो डायमीटर आपको पता चल गया होगा। 10 डायमीटर का आपको क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है, उसको आपको 7 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जब आप 7 पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो, और 7 पार्ट में जो आपने डिवाइड किया है उसको क्या करना है, पेंट कर देना है द 7 रेनबो कलर्स, 7 रेनबो कलर्स से आपको पेंट कर देना है ऑफ दीज सेगमेंट्स, जैसे कि आपको बताया गया। यू कैन ऑल्सो पेस्ट, क्या करना है आपको, कलर से पेस्ट कर देना है उन सबको, यानी कि वो 7 विबग्योर से आपको उन्हीं कलर से पेंट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको बीचों बीच में एक स्मॉल होल बना लेना है, अरे जैसे बचपन में ना हम लोग क्या करते थे, पेन में
वो कागज़ को ना कैसे फंसा कर हम घुमाते थे, उसी तरह से इस कार्डबोर्ड को हमें पेंट कर लेना है 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके। उसके बाद उसको सेगमेंट बना लेना ना, 7 अभी बात हुई थी उसी की। तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसको अपने पेन में फंसाना है और इंश्योर दैट द डिस्क रोटेट फ्रीली, और आपको उसको रोटेट करवाना है फ्रीली। और जब वो रोटेट करेगा इन द डे लाइट व्हेन द डिस्क इज़ रोटेट फास्ट द कलर गेट मिक्स टुगेदर। अब कलर क्या होगा, मिक्स्ड हो जाएगा एंड द डिस्क अपीयर, क्या दिखेगा हमें, वाइटिश दिखेगा वो डिस्क। जैसे हमने देखा प्रिज्म वाइट था, मतलब प्रिज्म से वाइट लाइट हमने पास कराया, वो 7 कलर में स्प्लिट हो गया ना। अब ऐसे ही 7 कलर को हम फास्ट ऐसे मूव करवाएंगे तो वो वाइटिश दिखेगा, यानी वाइट में वो हमारा कंटेन हो जाएगा, ठीक है। अ डिस्क इज पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क। इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स डिस्क के नाम से जानते हैं। देखो जैसे इसमें ये नचाया गया नल, मतलब वो लट्टू टाइप का नचाया गया पेन में फंसा कर, तो ये देखो हमें वाइटेज दिख रहा है। अब क्या किया पहेली ने, क्या किया इस ब्रिलियंट आइडिया को, क्या किया प्रिपेयर किया उन्होंने, बनाया और उसके टॉप को क्या किया उसमें फंसा दिया पेंसिल में, और कैसे उसको रोटेट करके देख रही है। टॉप विद अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट, और टॉप को रोटेट किया फिर उसने देखा वाइट कलर का वो दिख रहा है, ठीक है। यानी कि वाइट जो है, वाइट लाइट कंटेन करता है 7 कलर्स, ये हमें पता चल गया और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके ये क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो डू लाइक, ओके, और कमेंट भी करिएगा आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।